में विराजमान सभी श्रोतागण एवं पिता तुल बुजुर्ग सभी विद्वान कमेटी दूर दराज से आई हुए जिकड़ी के शौकीन श्रोता जिकड़ी के गायक कलाकार सभी के लिए हाथ जोड़कर प्यार भरी नमामि नमस्कार व राम राम साहब। अरे राम राम तो ले लो, बहुत दूर चट्टारी पे आयो। हेलो भैया, या बराम ने मुझे निकलो बाहर, बाहर निकलो भाई, ये अल्लाह है रोजा। हेलो, अरे भाई बाहर निकलो और चाय बंद करो भैया, फिर कमेटी वाले हो देखियो। बंधुओं, आप तो जानते हैं कि कवियों की कविता और गायकों की गायकी कुछ अलहदा अलहदा हुआ करती है, अलहदा अलहदा ढंग हुआ करते हैं। किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और गुरुदेव चार लाइनों में लिख दिया किस प्रकार से, कि पहलो गुरु माने तमान अपनी माति को बाने तो कुचली बारी बो तो कुचलिबो और बोलिबो सिखायो है कि गुरु गुरु कहे के तू सभी दुनिया में डोल लियो, फिरहू गुरु तेने नकली बनायो है, हसीनी गुरु तेरे जगत में प्रा तू जाए आज तलक के खोज नाए पायो है। बंधुओं, आप तो जानते हैं कि झिकड़ी की मेन चीज मेन जननी हुआ करती है, मेन धरोहर हुआ करती है, वो साखी हुआ करती है। साखी आध्यात्मिक होगी और भैया साखी के बोल किस प्रकार से सुनेगा। आरी हो मैया मोए छोटी तरेरी सजाए
देवर लंबरदार 1-6 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करें। मैया मोए जाते हैं और भगवान कृष्ण से कहने लगे, प्रभु हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। आहा, आज बंधुओं इतने शब्द भगवान कृष्ण ने सुने हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि पहले काटो वा काटे तू, कि पहले काटो वा काटे तू, जो रास्ता में रोड़ा है तुमने दरा कहे के विष से विजय को घोड़ा है। सो नाम गाओ बतलाओ स्वामी, सो नाम गाओ बतलाओ स्वामी, धर्म राज यूं बोला जब भेद प्रभु ने बोला। आज भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को सारी बात बता रहे हैं और गुरुदेव मराठी में किस प्रकार से लिखा है।
वो जमाने
समय का अभाव, अब सुनेगा एक गाना। आइए, एक समय रक्षाबंधन का पर्व आया। एक लड़की अपने ससुराल से पिहर के लिए जा रही है, बस में सीट पर बैठ गई, रो रही है, बिलख रही है। पास में बैठी हुई लड़की ने पूछ लिया, बहन अरे आज ये रक्षाबंधन का पर्व और तेरी आंखों में आंसू। हर बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है, खुश रहती है, और आज तेरी आंखों में आंसू कैसे बहन? वो लड़की कहने लगी, बहन तू मेरे रोने का कारण पूछना चाहती है? हाँ बहन, अपने रोने का कारण बता। आज वो लड़की अपने रोने का कारण बता रही है, भैया किस प्रकार से मेरी बहना मेरी बहना कारगिल पे भई लड़ाई, मेरी बहना मेरी जीजी कारगिल पे भई लड़ाई, पीरों ने धूम मचाई, झंडा तो गाड़ो जाके सीम पे। मैंने ऐसी नहीं बिचारी, ओ मैंने ऐसी नहीं बिचारी, मोते वो मोते बिछड़े मेरा बिरन हजारी, मोते बिछड़े मेरा बिरन हजारी, झंडा तो गाड़ो जाके सीम पे। तेरे 2000 फुट ऊंची चोटी पे कर दई चढ़ाई, भारत के वीर जवानों ने, हाँ भारत के वीर जवानों ने दुश्मन पे लड़ी, भागो भागो बिगतारो। और एक से एक रुपए का पुरस्कार हमारे अंकल जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भागो भागो अभी कट्टारो से आवाज लगाई, हमसे ना बच्ची पाओगे जान।
ने भी ऐलान कर दिया था बहन सुना, हेरे मात्रे भूम पे मर मिट जाऊं मेरो वीर सिपाही सच्चा। ओ मात्रे भूम पे मर मिट जाऊं मेरो वीर सिपाही सच्चा। झंडा ना छुकुन झंडा ना छुकुन ने पाए जे कहता बच्चा, झंडा ना झुकने पाए जे कहता बच्चा बच्चा। खून निखर गया सबरो तन को, खून निखर गया सबरो तन को, कोई अपना नजर न आता। लाज नहीं जाने पाए जे लाज नहीं जाने पाए जे कहती भारत माता री बहना। मेरी बहना मेरी जीजी वीरों ने न हिम्मत हारी, दुश्मन की कर दई हारी। झंडा तो गाड़ो जाके सीम पे, और माता पिता मेरे घर पे रोए रहे है रही उनकी ख्वारी। भैया के बिन भाभी मर जाए मार के कंठ, भैया के बिन भाभी मर जाए मार के कंठ कटारी। अच्छो भया फौज में भरती, ओ अच्छो भया फौज में भरती, रह गया सोता सोता। हाथन के बिन निखर गयो महारो, हाथन के बिन निखर गयो महारो, पलो पलायो तोता री बहना। मेरी जीजी मेरी बहना तेरन भर दीनाए डाटे, खेलती है नदी नाए डाटे। झंडा तो गाड़ो जाके सीम पे, वो लड़की कह लगी बहन मुझे अपने भाई की याद क्यों आ रही है, आज मैं अपने गांव जा रही हूँ, अगर मैं अपनी किसी सहेली के घर जाऊंगी, वो लड़की अपनी भाई के हाथ में राखी बांधती होगी तो मुझे अपने भाई की याद आएगी या नहीं आएगी ना बहन सुन। तेरे जे रक्षा बंधन ऐसो आयो मोए आवे याद भैया की, हेरे रक्षा बंधन ऐसो आयो मोए आवे याद भैया की। कहा करूं कित जाऊं बहन मेरी बाट निहारत, कहा करूं कित जाऊं बहन मेरी बाट निहारत। राखी सीधो स्वर के सिधारो भैया, सीधो स्वर के सिधारो भैया, उतर स्वर्ग ते आइयो। बहना रोबे तेरे द्वारे पे, बहना रोबे तेरे द्वारे पे, आई के धीर लड़ाई उरी बहना। मेरी बहना मेरी जीजी मेरी बहना, सीना पे खाए गया गोली, जय भारत माँ की बोली। झंडा तो गाड़ो जाके